जो समाजवादियों को जो काम रहा है, जो हमने किया है, जो मेरा घोषणा पत्र है, जो हमने 300 यूनिट का बिजली देने का वादा किया है, फ्री में सिंचाई मुफ्त करने का जो वादा किया है, हम 5 बोरी यूरिया 2 बोरी पोटास का जो वादा किया है, इसको लेके जाएंगे, अपने विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे। बीजेपी पार्टी भी तो घोषणा की है किसानों के लिए मुफ्त बिजली और तमाम तरीके की स्कूटी और लैपटॉप तमाम तरीके की। उनकी तो खुद की सरकारें हैं, उनकी घोषणा हवा हवाई हो सकती है, अपनी सरकार में कोई घोषणा करता है। वर्तमान विधायक जो आपके विधानसभा क्षेत्र में है, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप बाहरी हैं और बाहरी भीतर की लड़ाई पर अपना होने वाले, क्या कहेंगे? मैं भारत देश का निवासी हूं, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मेरा हक और अधिकार बनता है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर चुनाव लड़ सकूं। आपके सामने विधायक जी हैं, एक नामी जाने नेता माने जाते हैं, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आप उसको कैसे निपटाएंगे? कोई चुनौती नहीं। देखिए, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की स्थापना इसी बुनियाद पर हुई है, परिवर्तन, और जनता परिवर्तन चाहती है, और जनता परिवर्तन इस बार रचना में करके। आप काफी रसरा विधानसभा में घूमे होंगे जी, समस्याएं क्या आ रही है? समस्याएं तो मत पूछिए, समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ रसरा में। समस्याएं तो आपका रसरा जो टाउन एरिया, इतनी बड़ी आबादी है, उसमें जल निकासी की इतनी बड़ी समस्या है। आप रसरा में ही देख लीजिए, मैं घूम रहा हूँ, तमाम हरिजन बस्तियों में बज बजाती हुई नालियाँ दिख रही हैं। अब उन्हीं का वोट लेके आप विधायक बने बैठे हो, पहले उनका तो भला कर दो आप, दूसरे की समस्या क्या? कहना है कि मैंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया है, जितना विकास किया है वो उनके कहने में नजर आता होगा या किसी को सुनने में नजर आता होगा, लेकिन धरातल पे यह बोलता है, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ 37-38 मुख्य विभाग बने हुए हैं, जिसमें तमाम IAS IPS PCS रैंक के अधिकारी उसमें नियुक्त हैं, उन विभागों को संचालित करने के लिए। और माननीय विधायक जी ने अपने प्रॉफिट के लाभांश के नियत से सिर्फ एक विभाग में काम किया है, वो भी PWD में। मीन सड़क का थिकनेस क्या हो, मोटाई क्या हो, चौड़ाई क्या हो, इसकी जानकारी उनको ज़्यादा, इसकी जानकारी नहीं है कि 100 बेड का अस्पताल चाहिए रसरा में कि नहीं चाहिए, उनको जानकारी नहीं है कि रसरा वालों के लिए हमको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। लड़ाई देखिए, हम हो चाहे आप हो, आप भी जनता की सेवा कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर भाव होगा देश सेवा का। तो जो विधायक है संवैधानिक पद, उनके अंदर भाव पहले पैदा होना चाहिए कि मैं विधायक हूँ, मेरे अंदर भाव है, मैं छात्र राजनीति की कोख से आया हूँ, मैं समूचे रसड़ा के क्षेत्रवासियों का जात वर्ग धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके 10 मार्च के बाद निश्चित रूप से हर कौम हर जात का भला।